राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि संगठन नहीं होने के चलते पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था। ऐसे में अब 90 निकायों में चुनाव की घोषणा के बाद राजस्थान कांग्रेस की कार्यकारिणी का ऐलान इस सप्ताह अभी भी किया जा सकता है। 30 से 40 नेताओं वाली छोटी प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भले ही इस सप्ताह घोषित कर दी जाए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने जो 31 दिसंबर की डेडलाइन फिक्स की थी, उस समय तक तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी बनाने में असफल रही है। वहीं अब अजय माकन की राजनीतिक नियुक्तियों के लिए दी गई डेडलाइन 31 जनवरी भी आगे खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश में अब 20 जिलों के 90 नगर निकायों के चुनाव घोषित होने के साथ ही आचार संहिता इस 20 जिलों में लग गई है और 28 जनवरी को इन जिलों में मतदान होगा। ऐसे में यह पूरा महीना तो आचार संहिता में निकल जाएगा और अगले महीने से प्रदेश में बजट सत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां 31 जनवरी तक होना अब मुमकिन नहीं है। वहीं कैबिनेट विस्तार भी बजट सत्र के बाद ही होने की संभावना है। ऐसे में जनवरी में अब केवल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी ही घोषणा होगी। बाकी बची राजनीतिक नियुक्तियां और कैबिनेट फेरबदल और विस्तार का काम अब करीब 2 महीने बाद ही संभव होगा। इस बात को बल खुद सचिन पायलट का वो बयान भी देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियुक्तियों का काम 2 महीने के अंदर कर लिया जाएगा। इस सप्ताह आने वाले प्रदेश कार्यकारिणी भले ही छोटी होगी, लेकिन इसमें कुछ वर्तमान विधायकों के नाम भी शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में जो विधायक संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे, उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों से बाहर रखा जा सकता है। वहीं छोटी सूची आने से कई उन पूर्व पदाधिकारियों के नाम भी इस बार सूची से हटाए जा सकते हैं, जो हर बार प्रदेश कार्यकारिणी में किसी न किसी पद पर नियुक्ति पाते रहे हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा गुप्ता के मुताबिक 20 जिलों के 90 नगर निकायों का चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका के लिए चुनाव होंगे। 3,035 वार्डों में 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 31 जनवरी को काउंटिंग के बाद नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो गई है। चुनाव को लेकर 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होगी। 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी तक नामांकन वापस ले लिए सकते हैं। 20 जनवरी को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। यहां होने हैं चुनाव अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में चुनाव होंगे। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी, उपाध्यक्ष के लिए 8 फरवरी को चुनाव होगा। इन निकाय चुनावों के अलावा प्रदेश के 12 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं। निकाय चुनाव के बाद पंचायती राज चुनाव होंगे। शेष जिलों में ये चुनाव हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इन क्षेत्रों में पायलट और उनके समर्थक खुद को मजबूत बनाते हैं, पायलट के खास विश्वेंद्र सिंह हों या विधायक रमेश मीणा जी, आर खटाना और मुरारी लाल मीणा ने इन क्षेत्रों में पायलट के लिए यात्राएं की हैं, पायलट के दौरे में हुए हैं, लेकिन पायलट के दौरों में भी गुटबाजी चरम पर थी, चाहे अजमेर हो या टोंक, जहां गहलोत के समर्थक सचिन पायलट के पास नहीं आए थे। इन क्षेत्रों में ज्यादातर उम्मीदवार और दावेदार भी पायलट समर्थक थे, जिससे लड़ाई बढ़ सकती है। पायलट अपने मजबूत गढ़ में जितने लोगों की जीत दिला पाएंगे उतने ही मजबूत होंगे।